हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? तो हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, एक लेक्चर ले चुका हूँ। टॉपिक का नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अगर आप आज डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा गुजारिश है आपसे पहले वो वीडियो देख लीजिए, इसके पहले वाला। ओके, 4.3 का पहला लेक्चर, टॉपिक का नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में तुम्हारा इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ओके, टॉपिक ये था कि ये लाइन पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है, वो कैसे मालूम पड़ेगा ये दोनों फॉर्मूला यूज करके। हमको बस कुछ वैल्यू निकालनी है, इसके अंदर डालनी है, अगर जीरो आया तो क्या हो गया, रिप्रेजेंट करता है। तो चलो करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमको के की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर दिया हुआ लाइन, मतलब इसकी बात कर रहा है वो, ये जो लाइन है वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ लाइन। अब रिप्रेजेंट करता है मतलब क्या हुआ, ये फॉर्मूला लगेगा रिप्रेजेंट वाला। रिप्रेजेंट करता है मतलब ये दोनों फॉर्मूला इसके अंदर आप लगा सकते हो, जो आपको इजी पड़ता है वो लगाओ। ओके, मैं पहला लगाता हूँ, लेकिन फॉर्मूला लगाने के पहले हमको सारा वैल्यू निकालना पड़ेगा। चलो वैल्यू निकालते हैं। इसको किससे कंपेयर करते हैं, इस वाली इक्वेशन से। लेकिन इस वाली इक्वेशन में देखो एक्स स्क्वायर का टर्म है, यहाँ नहीं है, तो आप लिखोगे 0x2। उसके बाद एक्स वाई का टर्म है, यहाँ पर है, तो प्लस के एक्स वाई, टेंशन नहीं, साइन प्लस है ना के की, प्लस आएगा। उसके बाद वाई स्क्वायर का टर्म है, यहाँ पर नहीं है, तो लिखोगे प्लस 0y2। जो भी टर्म नहीं है वहाँ 0x2, 0y2 ऐसे लिख देने का। उसके बाद देखो इधर x का टर्म है 2gx, तो यहाँ पर x का टर्म दिया है, टेंशन नहीं, प्लस 10x। उसके बाद कौन सा टर्म दिया है, y का टर्म दिया है, यानी इधर क्या आ जाएगा, y का टर्म क्या दिया है 6y, और लास्ट क्या है 4 = 0। ये तुम्हारा इक्वेशन वन। ओके, अब क्या करेंगे, उसको कंपेयर करो। क्या है फॉर्मूला, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर टू। दोनों में से हम लोग वैल्यू निकालेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, कंपेयर वन एंड टू, हम दोनों को कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर करना ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन में सिखा चुका हूँ, आपको आना चाहिए, फिर भी रिपीट कर देता हूँ एक बार। एक्स स्क्वायर के साथ कौन है ए, एक्स स्क्वायर के साथ कौन है जीरो, तो ए की वैल्यू जीरो। वाई स्क्वायर के साथ कौन है बी, वाई स्क्वायर के साथ कौन है जीरो, तो बी की वैल्यू जीरो। एक्स वाई के साथ कौन है टू एच, अब एक्स वाई के साथ कुछ बच्चे बोलेंगे वन है, रॉन्ग है, इधर एक्स वाई के साथ टू एच है, यहां पर एक्स वाई के साथ के है, वन नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा, एक्स वाई के साथ कौन है के, इसका मतलब टू एच की वैल्यू क्या हुई, के हुई। एक्स के साथ कौन है टू जी, एक्स के साथ कौन है टेन, 2g की वैल्यू 10, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। y के साथ कौन है 2f, y के साथ कौन है 6, यानी 2f की वैल्यू 6, लास्ट c की वैल्यू 4। ये मिल गया, यहाँ निकालना पड़ेगा, h की वैल्यू क्या हो जाएगी, k अपॉन 2 मल्टीप्लाई का डिवाइड, यहाँ कट जाएगा 2 1 जा 2 5 जा, तो g की वैल्यू कितनी हुई 5। ओके, ये भी कट जाएगा, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। मिल गया सारा वैल्यू, अभी उसमें डाल दो। ओके, तो मैं फॉर्मूला अप कर देता हूँ, ऑलरेडी आप लोग को दे चुका हूँ फॉर्मूला में, और कॉपी भी कर चुके होगा आप लोग। एक बार मैं ऊपर लिख लेता हूँ, फॉर्मूला क्या है, ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस अप्पा स्क्वायर माइनस बहन जी स्क्वायर माइनस चाचा स्क्वायर बराबर 0, ये तुम्हारा फॉर्मूला है। ओके, 0 मैंने लिया है, जो लास्ट वीडियो था वहां पर हमको प्रूफ करने वाला था, आप जाके देखना, वहां लिखा होगा शो दैट, मतलब सिर्फ इसको सॉल्व करो, आंसर 0 आना चाहिए। लेकिन इसमें प्रूफ नहीं करना, इसमें आपको दिया है क्या, इफ गिवन लाइन रिप्रेजेंट करता है, मतलब 0 लेना है। ओके, अभी फॉर्मूले में डाल दो वैल्यू, कैसे पुट अप करोगे, चलो डालो डालो धीरे धीरे। ए, ए की वैल्यू कितनी है 0। अब मुझे बताओ, अगर ए की वैल्यू 0 हो गई तो बी सी की वैल्यू डालने की जरूरत है क्या, नहीं, कि पूरा प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा ना। ओके, तो डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ए डाला चलेगा। प्लस 2 × f, f की वैल्यू कितनी दिख रही है इधर पे 3 × g,
जी की वैल्यू किधर है, फाइव इंटू एच, एच की वैल्यू किधर है, इधर, इसको अच्छे से लिखता हूँ मैं, फाइव है ये, एच की वैल्यू के बाय टू, फिर से आया ए, तो ए की वैल्यू कितनी है, जीरो, जीरो हो जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, पूरा जीरो लिख दो, एफ डालने की जरूरत नहीं, वापस माइनस, फिर आया बी, बी की वैल्यू भी क्या है, जीरो, पूरा प्रोडक्ट तुम्हारा जीरो हो जाएगा, माइनस सी की वैल्यू कितनी है, फोर, तो यहां डालेंगे फोर इंटू एच स्क्वायर, एच स्क्वायर मतलब एच की वैल्यू कितनी थी, के बाय टू, अब बताओ मुझे स्क्वायर बताओगे इसका, के बाय टू का स्क्वायर कितना होता है, के का स्क्वायर होता है के स्क्वायर, टू का स्क्वायर होता है फोर, इज इक्वल टू जीरो, ओके, अब देख सकते हो यहां पर फोर और फोर क्या हो गया, कट गया, यहां पर देखो ऊपर का टू नीचे का टू कट गया, सारे जीरो भगा दो, जो बचा छाप दो, क्या बचा, थ्री फाइव का कितना हुआ, फिफ्टीन इंटू क्या है, के, थ्री फाइव का फिफ्टीन इंटू के, जीरो के भाड़ में, जीरो के भाड़ में बचा क्या, के स्क्वायर, लेकिन इस के स्क्वायर की साइन क्या है, देखो आगे माइनस है, वरना गलती से प्लस लिख दोगे, तो हो जाएगा माइनस के स्क्वायर बराबर जीरो, यहां तक सब पहुंच जाएंगे, ओके। अब मुझे बताओ एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे मैं, 15 के में से एक के स्क्वायर गया कितना बचता है, नहीं होता माइनस, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है, अगर दोनों के होते तो सॉल्व होता, या दोनों के स्क्वायर होते तो सॉल्व होता, ये अलग अलग है, सॉल्व नहीं होगा, तो करना क्या है, सिंपल मुझे बताओ, इन दोनों में कुछ कॉमन निकल रहे हैं, के निकल रहा है कॉमन, के निकला कॉमन, के जो निकलेगा बताओ, इधर के गया तो क्या बचा, 15 बचा, बीच में क्या है माइनस, के स्क्वायर में से फिर के गया तो फिर क्या बचा, के बराबर कितना, जीरो, टेन कर चुके हो, जीरो बांट दो तो के बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, या तो फिर 15 माइनस के बराबर जीरो, ये हो चुका है सॉल्व, इसको करना है, माइनस के उधर गया तो क्या बन गया, प्लस के, यानी हमारा के की वैल्यू कितनी आई, 15, ओके, सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला अप्लाई करना, डालना है वैल्यू, आंसर आ जाएगा, इतना कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सेम क्वेश्चन है, सेम परफॉर्म करना है, ये देखो आपको इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू जीरो, आप लोग जरा बोर ना हो इसलिए लिख कर रखा है मैंने ये इक्वेशन, कंपेयर करना है, चलो कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ ए, एक्स स्क्वायर के साथ कोई नहीं, कोई नहीं मतलब जीरो, वन, तो ए की वैल्यू वन, वाई स्क्वायर के साथ बी, वाई स्क्वायर के साथ टू, तो बी की वैल्यू टू, एक्स वाई के साथ टू एच, एक्स वाई के साथ थ्री, यानी 2h की वैल्यू 3, यानी ये सॉल्व हो जाएगा, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 बाय टू, एक्स के साथ 2g, यहाँ x के साथ 1, यानी 2g की वैल्यू 1, यानी g की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बाय टू, y के साथ 2f, y के साथ कौन सा 1, माइनस 1 है, माइनस 1, तो भैया जी 2f की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 1, तो f की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 बाय टू, लास्ट बट नॉट द लीस्ट सी के जगह पे कौन है, के, अब इसको आपको वैल्यू पुट अप करना है, उसमें सॉल्व करना है, ओके, सिंपल कैलकुलेशन है, बेसिक ऐसा करना है आपको, प्लस माइनस डालो और के की वैल्यू निकालो, और डाउट हो तो मुझे कमेंट करो, ओके, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है यहां पर, ओके, एक थ्योरम इसमें है IMPA जो कि हर दो साल में एग्जाम में आता है, वो हम लोग ऑफलाइन लेंगे, क्लासेस में लेंगे, फिलहाल आपको जितना पढ़ा उतना पढ़ लो, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग चालू करेंगे LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ओके, थैंक यू वेरी मच।